इसमें नारायण हमारा जय, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो गजेंद्र पांडवन सी नाम का राजा, अगस्त जी ने श्राप दे दिया, लेकिन बाद में अनु ने विनय किया तो कहा भगवान तेरा उद्धार करेंगे। और ये जो ग्राह था ये कौन था? बोले ए हु नामक गंधर्व था। क्या नाम था? हु। अच्छा देखिए कितना बढ़िया नाम, हु। अच्छा हु का मतलब हंसाने वाला रहा होगा। लेकिन एक बात बताएं, एक दिन देवल ऋषि का पांव पकड़ा जल में खींचने लगा, जब उनको लगा कि मैं मर जाऊंगा तब तक बाहर निकल करके आया प्रभु। मजा आया, आनंद आ गया। अच्छा किसी का सर पानी में डूबो करके पूछो आनंद आया तो व्यक्ति क्या कहेगा? आनंद आ गया, श्राप दे दिया, जा तू जल में रहने वाला ग्राह हो जा। प्रभु मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था, मैं तो आपको हंसाना चाहता था, अगर मुझसे कोई अपराध हो गया मुझे क्षमा करें। तो देवल जी ने कहा जैसे तूने आज मेरा पांव पकड़ा है, इस जलाशय में जो भी आएगा उसका पांव पकड़ते रहना और पांव पकड़ते पकड़ते ही तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और आज भगवान की कृपा से कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, एक बात आप सभी से बताऊं, अगर जीवन में कुछ करना है तो एक बात जरूर कहा करो कि तारा है सारा जमाना श्याम हम को, तारा है सारा जमाना श्याम हम को भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हम को भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हम को भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, तारो हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी, हे हरि सुना है श्याम गड़ी का को तारा, हमने सुना है श्याम गड़ी का को तारा, हमने सुना है श्याम गड़ी का को तारा, तोते का करके बहाना श्याम भी तारो, तोते का करके बहाना को भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम को भी तारो, तारा है सारा जमाना हे हरि। श्याम भक्तों को तारा ऐसे तारा भक्तों को सत्संगा करके बहाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा
अगस्त गजेंद्र मोक्ष को सुन करके शिक्षा क्या मिला कि संसार में जीव माया के वशीभूत होकर के भगवान को भूल जाता है, लेकिन अगर संसार की माया से बचना है तो भगवान को भूलना नहीं, भगवान को याद करना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक बार की बात, देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी से कहीं जा रहे थे और यदा दुर्वासस सापात सेन्द्रा लोकस्त्रियों पर निशी कांश भवस्त्रत्र नेसुरिज्याद यक्रिया। उसी समय दुर्वासा जी वैकुंठ से आ रहे थे, कहां से आ रहे थे, और दुर्वासा जी को वैकुंठ में एक माला लक्ष्मी जी ने दिया था, उस माला का नाम था वनमाला। कौन सा माला? वनमाला। ध्यान देना, ये जो गला, ये गले में जो माला है इसका नाम है स्वागत माला। कौन सा माला? ये स्वागत माला है। और एक जो दुल्हन दूल्हा एक दूसरे के गले में डालते हैं उसका नाम है वरमाला है, और जो दुल्हन पहनाती वो जय माला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जय माला, वरमाला, स्वागत माला, लेकिन भगवान के गले में जो रहता उसका नाम है वनमाला। तो ये वनमाला किस चीज से बना है? बोले कुंद इंदु मंदारई है पारिजातस्य चंपकै एतिभि ग्रथिता माला वनमाला इति कथ्यता। जो कुंद माने कुइयां, इंद माने कमल, परिजात माने पारिजात, मंदार माने मदार, इतने पुष्पों को एकत्रित करके जो माला बनता है उसका नाम क्या है? वनमाला। और वो कहाँ रहता है? भगवान के गले में। तो भगवान ने वो माला दुर्वासा जी को दे दिया। दुर्वासा जी ने सोचा इतना बड़ा भगवान का माला तो ये तो किसी राजा के गले में होना चाहिए, तो उन्होंने इंद्र को दे दिया। अब इंद्र ने उस समय तो ले लिया, लेकिन खिन्न मन से सोचे अब हम ये वनमाला, उन्होंने हाथी को दे दिया। हाथी ने पांव के नीचे कुचल दिया। लक्ष्मी जी ने कहा औ देव अभिमानी देवताओं, लक्ष्मी को पा करके अभिमानी बने घूम रहे हो, मैं तुमसे रुष्ट हो रही हूँ। अच्छा सही से बताइए, जिससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाए उनको कोई दुनिया में संभालने वाला है? लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे पड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति जिसको देखो है? चाह आनों में आनों से आती रही, चाह आनों में रुपया भुनाती रही, चाह रुपये से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पिया जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ा जिन्होंने रसीले हुए, चाह जी से लगा जी जरा हो गया, चाह हरि से लगा जी हरा हो गया, और चाह हमको इनकी हरदम चाहिए। और जब मेरे प्रभु हमें चाहें तो फिर क्या चाहिए? जब मेरे प्रभु हमें चाहें तो फिर क्या चाहिए? लेकिन दुनिया वाले किसके पीछे पड़े? बोले पैसे के पीछे। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम रसिंद मिष्टो, मैं तो भक्तों के चाह में रहता हूं। बोले सच्चिदानंद भगवान कीजिए। एक बार कोई चाह करके तो देखे है, लेकिन दुनिया से चाहत है, भगवान से जिस दिन चाहत हो जाएगी उस दिन राहत मिल जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ध्यान देना। अच्छा एक बात और आप सभी से बताऊं, हम तो कहते हैं लक्ष्मी जी को अगर पाना है तो नारायण के चरण में चले जाओ। एक गांव में कथा हो रही थी तो एक सेठ बहुत बड़ा आदमी कथा करवा रहा था, तो नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा देख रही हो हमारा भक्त कितना खुल करके दान कर रहा है? लक्ष्मी जी ने कहा मेरी वजह से, अभी मैं चले जाऊं तो देखूं। भगवान ने कहा हाँ हाँ देखो, लक्ष्मी जी आई नारायण जी आए दोनों लोग है, तो लक्ष्मी जी बनकर के आई एक बूढ़ी माता और नारायण भगवान बनकर के आए कथावाचक। अब जिस जजमान के यहाँ कथा हो रहा था यह भी आए, बोले हम भी तो सब हाँ हाँ आइए आइए। अब भगवान बोले तो बताओ दुनिया में कौन है जो सुनेगा नहीं? इतनी मीठी वाणी महाराज मारा थोड़ा और थोड़ा और। और तब तक लक्ष्मी जी गाँव में आई, एक माता जी कथा सुनने जा रही थी, मैया गाँव मैया थोड़ा जल पिला दीजियो। अरे बहन जी माफ करना, अभी हम कथा में जा रहे हैं, बहुत मीठी कथा हो रही, भगवान बहुत अच्छे वक्ता हैं, अब तो मैं बैठ नहीं सकती रुक नहीं सकती। अरे मैया थोड़ो थोड़ो जल मुई पिला दीजो, बस थोड़ो सो। अरे बहना मैं तय कह दई मैं कथा सुनवे को जा रही, जब तक कथा सुनूंगी ना तो जल ना पिवावे बारी में, पहले मैं मुँह को जान तो दे, बावरी काय को मुँह छेड़ रही है। अब वो बार बार अरे रुको ना रुको ना, लेकिन अब ले ले पानी पी ले। और जैसे लक्ष्मी जी ने गिलास को हाथ लगाया सोने का गिलास, अब उसने कब भोजन भी करेंगी?
लक्ष्मी जी ने हाँ हाँ भोजन भोजन बनाया। लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से भोजन पाई, बोले अब कथा में जाओ। हाँ हाँ ठीक ठीक आप यहीं रहना। हाँ लक्ष्मी जी घर में बैठ गए, बेचारी गई आज इतने विलम्ब से काहे को आई, तू कहीं फंस गई थी का? अरे तू ही पतो ना है, मेरे घर में एक चमत्कार रह गयो। एक बूढ़ी मैया आई, वहाँ ने मोटे जल मांगियो, जैसे मैंने वहाँ को जल पिलायो। अरे बहना तू ही का छिपाओ, वह गिलास सोने को है गयो, सोने को। अब बगल वाले बोले हमको भी थोड़ा सा, बगल वाली खिसकी, बीच वाली ने सुन लिया वो भी खिसकी। अब धीरे धीरे महिलाओं वाली लाइन क्लियर, बगल से पुरुष सुन रहे थे, बोली पुरुषों वाली लाइन क्लियर, जजमान अकेले। पत्नी ने कहा कि यहीं बैठे रहोगे? अरे खर्चा तो हो ही रहा है, तो कम से कम उसका भरपाई भी तो करो। उसने कहा भगवान थोड़ी पंडित जी आप थोड़ी देर बैठो, हम अभी गांव से आ रहे हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं है। जैसे पहुंचा लक्ष्मी जी ने कहा सेठ जी क्या बात है, माता जी हमारे ऊपर भी थोड़ी कृपा, बड़े गरीब आदमी है। लक्ष्मी जी ने कहा बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पे। कहा क्या? कहा वो जो कथा कह रहा उसको पहले हटाओ, जब तक वो जाएगा नहीं तब तक हम आएंगे नहीं। अब सेठ आया, है महाराज चलो निकलो यहाँ से। भगवान बोले भैया अभी चौथा दिन है, आज जन्म है। अरे बोले जन्म वनम हम करवा लेंगे, ये हमारे बस हमारी विभाग का बात, निकलो उनसे, जाओ यहाँ से जाओ जाओ। और जैसे नारायण गए तैसे लक्ष्मी जी भी अंतर ध्यान, क्योंकि जहाँ नारायण नहीं रहेंगे वहाँ लक्ष्मी जी कैसे रहेंगे। अब लगा सेठ रोने, हे भगवान हम तो दोनों हाथ से गए, न इसमें मिला ना उसमें मिला, हम तो दोनों हाथ से गए। थोड़ी देर तक पश्चाताप करता रहा, बाद में लक्ष्मी जी प्रकट भई। कहा सेठ जो तुम्हें कथा सुना रहा था वो मेरा नारायण था। तो माता आपने हमारी परीक्षा क्यों ली? तो कहा हमारी इनकी बात हुई थी, ये कहते थे दिया कि हमारी आपके पीछे नहीं, अगर हमको लोग पा जाएं तो आपको भी भूल जाएंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बोला सही की गलत कह रहा हूँ? ये पैसा ही ऐसा चीज है सा। देवता श्रीहीन हो गए, और जब देवता श्रीहीन हो गए प्यारे, तो अब ये भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। अभी क्रेम सत्यमनंत माध्यम गुहिया स्वयं निष्कलम प्रतक्यम मनोग्रयानम वत्सा निरुक्तम नमाम हे देव वरम वरेण्यम श्रीमद भागवत अष्टम स्कंद पचमा अध्याय 26वां श्लोक। वहां पर लिखा हुआ है ब्रह्मा जी की खूब स्तुति की। ब्रह्मा जी नारायण के पास से ले गए। नारायण ने कहा देखो देवताओं, इस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अरे प्रभु सारी दुनिया के लोग जब ठुकराए जाते तो आपके शरण में जाते हैं, हैं? दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, तो आप ही जब छोड़ देंगे तो अब कहाँ कोई जाएगा प्रभु, हैं? भगवान ने कहा एक उपाय बताता हूँ। कहा क्या? अरे योपि ही संधेया सतिकार्यार्थ गौरवे अहिमूस कवत्तेवा हरथस्य पदवी गते। मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ। कहा कौन सा उपाय? कहा जब अपने कार्य की सिद्धि करनी हो तो शत्रु से भी संधि कर लेना चाहिए। इसमें जाकर के देवताओं से मित्रता कर लो, देवताओं से दानों से मित्रता कर लो। देवता बोले लेकिन दानों हमसे मित्रता कैसे करेंगे? बोले नारद जी है ना, इनको साथ ले जाओ, इनका नाम ही नारद, जिसकी बात कभी ना होवे रद्द उन्हीं का नाम, सारा काम बना लेंगे। लेकर के पहुंचे राजा बलि ने देखा, अरे महाराज ये देवता कहां से? गुरुजी ने कहा ये मित्रता करने आ रहे हैं, हैं? शुक्राचार्य जी बोले सहकार कुशला सुरा स्वार्थी हैं, इनके पीछे मत पड़ना। नारद जी ने कहा शुक्राचार्य जी इधर आइए, आपके पास क्या है? बोले संजीवनी विद्या। बोले कब तक? कहा जब तक जिंदा है। कहा जब मर जाओगे तब? कहा संजीवनी विद्या खत्म। तो कहा क्यों ना ऐसा कुछ कर दो कि बेचारे हमेशा के लिए अजर अमर बन जाए। अब नारद जी की बात कटे कैसे? गुरुजी को भी हाँ ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। तो कहा कैसे होगा? तो कहा महाराज मंथन करा दो, अमृत निकलेगा, देवता भी पिएंगे, दानव भी पिएंगे, अमर हो जाएंगे, झगड़ा खत्म। हाँ ये बात ठीक है। अब देवता और दानव में क्या हो गया? मित्रता हो गया। तो सबसे पहले सब लोग मंद्राचल लेने गए। मंद्राचल लाते समय गिरने वाला था, उसके नीचे कितने लोग दब गए। भगवान ने गरुण पर चढ़ करके मंद्राचल को एक हाथ से उठाया और अजित अवतार धारण करके भगवान ने मंद्राचल की रक्षा की। बोले शिव नारायण भगवान की
और जैसे पर्वत रखा जाने लगा तैसे वो पर्वत नीचे की तरफ जा रहा था। सबने अनुनय विनय किया, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। तो पता है कृत्वा बपु काश महाद्भुतम प्रवेश तो यम गिरिम जिहार। श्रीमद भागवत अष्टम स्कंद सत्मा अध्याय अठवा श्लोक वहां पर लिखा हुआ है। तुरंत भगवान ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और 1,00,000 योजन का पीठ बनाया और भगवान बन गए कछुआ। बोले कच्छप भगवान की। और जैसे भगवान कछुआ बने अपने पीठ पर किसको रख लिया? मंदराचल पर्वत को रख लिया। सब लोग जाकर के पहुंचे नागराज वासुकी के पास। ते नागराज ममंत्रिम फलभागेन वासुकिन परवीय गिरो तस्मिन नेत्र मध्य मुदान्विता। हे वासुकी जी, हम आपके पास आए हैं, आप नेति बन जाओ। महाराज हमारा फायदा क्या होगा? बोले आप जब नेति बन जाओगे, अमृत निकलेगा तो उस अमृत को आपको भी पिलाया जाएगा, आप पहले से स्वस्थ बन जाओ। लालच लय परलोक न छावे। ये भी बेचारे तैयार हो गए। अब मंथन प्रारंभ हो गया, ध्यान देना। और जैसे मंथन प्रारंभ हुआ महाराज, तभी हला हल कालकूट विष निकला और विष निकलते ही जितने लोग थे मूर्छित होने लगे। पुष्पक्षियां गिर करके महाराज मरने लगे। सब भागे भागे शिव जी के पास गए और हाथ जोड़ करके बोले, आशुतोष तुम अब ढेर। आशुतोष तुम अब ढेर दारी, आरत हर हो दिन जन जानी। महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिन शरणापन्ना त्रिलोक दहनाद विषाद। श्रीमद भागवत अष्टम स्कंद सतमा अध्याय 21वां श्लोक वहां पर लिखा हुआ है। शंकर जी रीझ गए और कितना व्यस्त था, ईमानदारी से बताऊं बताऊं, इतना व्यस्त था कि तीनों लोगों को एक ही पल में जला करके राख कर देता। बोले सच्चिदानंद भगवान के त्रिलोक दहनाद विषाद, तीनों लोगों को जलाने वाला। लेकिन उसको शंकर जी ने उठा करके पी लिया। किसके प्रभाव से? पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा आप विष पी लोगे तो आपका क्या होगा? कहा, देवी अगर संसार को बचाने के लिए मुझे प्राण त्यागना पड़े तो कम से कम तुम सौभाग्यशाली रहोगी। जब तक तुम्हारा जिंदगी रहेगा दुनिया वाले तुम्हें सम्मान देंगे कि इन्हीं के पति ने सबका प्राण बचाया था। महाराज दुनिया तो बच जाएगी लेकिन हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि पति बिन सोना है संसार, मेरा क्या होगा? नारायण भगवान शिव ने कहा, देवी अरे परोपकार आए फलंत वृक्षा परोपकार आए दुहिंत गावा। ये शरीर तो परोपकार के लिए भी बना है, लेकिन ध्यान देना तुम चिंता मत करो, अगर मैं मर गया तो तुम्हें यश मिलेगा और अगर मैं बच गया तो कम से कम लोग मुझको नीलकंठ के नाम से जानेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और भगवान शिव जी ने विष को उठाया। अब देखो पीने के लिए कैसे तैयारी बना रहे हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को, काल कोट फल दीन अमी को। भगवान ने विष को उठाया, रा कह करके मुख खोला, आ कह करके मुख बाए और माँ कह करके मुख को बंद कर लिया और भगवान शिव नीलकंठ बन गए। बोले नीलकंठ महादेव की जय। शंकर जी नीलकंठ बन गए और बाद में पुरस्कार में पता है क्या मिला? चंद्रमा मिला विष पीने के नाते। कितना कौन सा पुरस्कार मिला? चंद्रमा। 14 प्रकार के रत्न निकले समुद्र मंथन में।
क्या श्री रंभा विश्वारुणी अमीय शंख गजराज धनुष कल्प तरु वैद्य मणि कामधेनु शशिवाज काम धेनु शशिवाज। लक्ष्मी जी निकली। अब जैसे लक्ष्मी जी निकली देवता बोले हमारी हैं, दानव बोले हमारी हैं। लक्ष्मी जी ने देखा कि हम तो फंस गए। ब्रह्मा जी बोले चुप रहो, ये जिसके गले में माला पहनाएंगी उसी की हैं। तो लक्ष्मी जी माला लेकर चली तो सबसे पहले शंकर जी बैठे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, शंकर जी मन ही मन गदगद हो रहे, चलो कम से कम कृपा होने जा रही है, है? और जैसे लक्ष्मी जी ने देखा बस रिजेक्ट कर दिया शंकर जी को। क्यों? कहा कि जब इनके घर ही नहीं है तो हम रहेंगे कहाँ, खुद तो बेचारे पर्वत पे रहते हैं, न ताला न चाबी कहाँ रहेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा हटाओ इनको। दुर्वासा जी बैठे थे बोले हैं तो बड़े त्यागी संत लेकिन क्रोधी एक नंबर के, तो मतलब क्रोधी के यहाँ भी लक्ष्मी ज्यादा टिकती नहीं है, तो छोड़ दिया बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब आगे बढ़ी तो देखा देवता बैठे बोले इनका क्या भरोसा, ये तो गुरु पत्नी गामी है, इनसे कोई मतलब है नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, उनको भी छोड़ दिया। राक्षस बोली कि हमारा कदरे नहीं कर पाएंगे, इनको भी छोड़ दिया। अब बचे कौन? नारायण। और नारायण के गले में माला पहनाया, क्योंकि जो सर्वगुण संपन्न है लक्ष्मी जी उन्हीं को माला पहनाती। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण को लेकर के चली गई, ध्यान देना। और बाद में अमृत निकला, धनवंतरी जी लेकर के आए, तो जैसे अमृत निकला सब राक्षस छीन करके भागे। देवता भगवान से बोले प्रभु क्या होगा? देवताओं की प्रसन्नता के लिए भगवान ने चौथा रूप धारण किया, पता है क्या? बोले मोहिनी भगवान की जय। भगवान मोहिनी बनकर के आए और असुरों के यहाँ पहुंच गए। असुरों ने देखा भगवान इतनी सुंदर छवि बना करके आए हैं। अब जो पहले कह रहे थे पूर्वम पित्वा पूर्वम पित्वा पूर्वम पित्वा, पहले मैं पीऊंगा पहले मैं पीऊंगा, अब कहने लगे पहले मैं ब्याह करूंगा पहले मैं ब्याह करूंगा। लक्ष्मी जी भगवान मोहिनी बोले हे भगवान हम कहाँ जाएंगे। बोले अच्छा एक बात बताओ, विवाह करोगे? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें उसी से विवाह करूंगी जो बलवान होगा। अब पहले अपने में तय कर लो बलवान कौन लगे असुर आपस में लड़ने। अच्छा नाम क्या है इनका? असुर है जिनमें। अच्छा जब सुर में सुर मिलेगा तभी क्या बनेगा? मिले सुर हमारे सुर से तो सुर बने, मिले सुर तुम्हारे हमारे सुर से तो सुर बने हमारा। लेकिन जब सुर सुर से मिलेगा नहीं तो बेसुर कौन सा? जब सुर से सुर नहीं मिला। अच्छा ये आर्गन है, एक्सपेस्टियन कोई और लेकर के बैठ जाए, अब अंगुली रखने की जगह ना हो, हैं? अब लेकर के वो बैठा रहे हम गावे दूसरा कुछ बजावे, दूसरा कुछ हैं? हम गावे सुर वो हो जाए बेसुर, वो बजावे सुर हम हो जाए बेसुर, हैं? तो कम अच्छा लगेगा। जब दोनों में मिलेगा सुर तभी बनेगा ताल। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब देवता हैं सुर और राक्षस हैं असुर, मतलब पहले में से हैं बेसुर, मिला मुलाकात कैसे हो? तो भगवान ने क्या किया? कहा कि देखो अमृत पियो। अब भगवान ने कहा, तब एक असुर ने बोला आप ही पिला दो आप ही। भगवान बोले ये तो पानी पानी वाला अमृत नीचे है, ऊपर है ये गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे। तो देखो ये पानी वाला देवताओं को पिला दूं गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें। अब बेचारे असुर तो असुर। हाँ ठीक है ठीक है, बन गई व्यवस्था। देवता एक पंक्ति में बैठे, राक्षस एक पंक्ति में बैठे, भगवान लगे पिलाने। अब भगवान जब सारा अमृत खत्म करने लगे, स्वरभानु नाम का दैत्य बोला रे राम राम इसमें तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। तुरंत जाकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा। अच्छा भगवान पंक्ति भेद नहीं करते। तब तक सूर्य चंद्रमा बोले महाराज हम 33 थे, ये 34वां कहाँ से आ गया? ससंग चक्रम सक्रीड कुंडम सफेद वस्त्रम सरसेर हेक्षणम सार वक्षस्थल कौस्तुभास्त्रम मा विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। भगवान ने शंख चक्र धारण किया और चक्र से इसके सर को धड़ से अलग कर दिया। भुवन दीपक में लिखा है राहुक्षा या अस्मृता केतु। ब्रह्मा जी ने सर को बना दिया राहु और शरीर को बना दिया केतु। बाद में बड़ा विशाल देवासुर संग्राम हुआ और उसके बाद शुक्राचार्य जी ने सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। एक दिन भगवान शिव ने कहा कि प्रभु हम आपके उसे मोहिनी रूप को देखना चाहते हैं। और जब पार्वती जी के साथ भोले बाबा नंदीश्वर पर बैठ करके सवार हुए हैं, बैठ करके निकले
और तभी देखा भगवान के सुंदर मोहिनी स्वरूप को, भूल गए और भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगे। और जहां जहां शंकर जी का धन अस्खलित हुआ वहीं जाकर के सोने चांदी आदि की खान बन गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और इसके बाद शंकर जी हाथ जोड़ करके बोले प्रभो पता चल गया। कहा क्या पता चल गया? कहा कि हम तो अपने आप पे बड़ा अभिमान रखते थे कि मैं तो कामदेव को जलाने वाला हूँ, मोहिनी मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन आज पता चल गया कि जो ज्ञानी ने कर चित अपहर, जो ज्ञानी ने कर चित अपहर, बड़ी आई बिमो है बस तरई, बड़ी आई बिमो बस तरई, जो ज्ञानी ने कर चित अपहरई, जो ज्ञानी ने कर चित अपहरई। भगवान आपकी माया तो ज्ञानियों के भी मन को मोहित करने वाली है। बोलो हाँ या ना। अच्छा विश्वामित्र जी मेनका के पीछे दौड़े कि नहीं दौड़े? हैं? दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, सारे जग को रही नचाय हरि माया जाहो करने, सारे जग को रही नचाय हरि माया जाहो, सारे जग को रही नचाय हरि माया, हरी माया जादू करनी, हरी माया जादू करनी, हरी माया जादू करनी। दोनों हाथ में करके सारे जग को रही नचाय हरी माया जादू करनी, सारे जग को रही नचाय हरी माया जादू करनी। हरी जिसने शंकर को नचाया, नारद बानर जय हो, नारद बानर दई बनाए हरि माया जादू, नारद बानर दई बनाए हरि माया जादू, सारे जग को रही नचाय हरि माया जादू, सारे जग को रही नचाय हरि माया सताया, जिसने दुनिया को नचाया, जिसने लोगों को सताया, भगवान से दई छुड़ाए हरि माया जादू करने, भगवान से दई छुड़ाए हरि माया जादू करने, सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू करने, सारे जग को नचाय हरि माया जादू करनी। बोली मोहिनी भगवान की जय। सारे जग को रही नचाय हरि माया जादू करनी। सही से बताइए, जो माया की जादू करनी सबको नचा रही कि नहीं नचा रही है? और यही बात अगर गोस्वामी जी के भाव में सुने तो सब ही नचावत राम गोसाई,
नाचत नर मर कट की नाई। सही कह रहे कि नहीं कह रहे, बोलो ना। अरे कुछ तो बोला करो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज बड़ा अच्छा प्रसंग आपने सुन कराया कि माया से पार पाना है तो केवल भगवान के चरण में रहना पड़ेगा, बाकी बिना भगवान के चरण में गए माया से कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन महाराज मैंने सुना है कि भगवान ने किस कारण के लिए राजा बलि के यहाँ से 3 पग पृथ्वी दान में मांगा था, महाराज जरा कृपा करके बताइए। सुखदेव जी कहते कि राजन पराजित शिरसभिश्चयपिदोन्द्रेण राजन भगवी सजीवित सर्वात्मनतान भजुद्धनं बलि शिष्य महात्मार्थ निवेदनेन। महाराज बात उस समय की है जब राजा बलि और देवराज इंद्र, तो तदंतर वृगवंशी ब्राह्मणों ने उसको जिलाया। बाद में राजा बलि ने वृगवंशी ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की, वृगवंशी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के राजा बलि के ऊपर ऐसी कृपा की कि एक यज्ञ कराया जिसका नाम था विश्वजीत। कौन सा यज्ञ कराया? विश्वजीत यज्ञ कराया। और जब विश्वजीत यज्ञ संपन्न हुआ ना, तो उस समय अश्व के चिन्हों से चिन्हित एक सुंदर सा रथ निकला, सुंदर ध्वजा का प्रादुर्भूत हुआ और दिव्य धनुष निकला, अच्छे बाणों वाला तरकस निकला, कमच निकला, अग्नि प्राप्त हुए और पिता प्रहलाद जी ने लाकर के पुष्पों की माला पहना दी। किसको? राजा बलि को। प्रहलाद जी बाबा हैं किसके? राजा बलि के बाबा हैं। लाकर के पुष्पों की माला पहना दी। और महाराज एक दिन शुक्राचार्य जी ने बताया, राजा बलि आज तेरे जैसा बलवान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए तू सबसे बड़ा बलवान है क्योंकि तू गौ सेवा कर रहा है। ध्यान देना, जो गौ की सेवा करता है वो बहुत बड़ा बलवान होता है, जो गुरु की सेवा करता है वो बहुत बड़ा बलवान होता है, और जो संत की सेवा करता है वो भी बहुत बड़ा बलवान होता है। ध्यान देना, संत दुआ देते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं। संत दुआ देते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं, वरना तो दुनिया में आग अपने ही लगाते हैं, बाकी तो सब हवा देते हैं। आग तो अपने ही लगाते हैं, बाकी सब हवा देते हैं। संत दुआ देते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं। ध्यान देना, संतों की दुआ लिया करो, हो सकता है कब काम आ जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की, जब संसार की चकाचौंध मिट जाएगी तो सत्संग रूपी टॉर्च ही आपके काम आने वाला है। इस नाते सत्संग किया करो, हैं? वरना इस जीवन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो राजा बलि ने शंख बजाया और जितने देवता थे सर्व स्वर्ग छोड़ करके पलायन कर गए। महाराज जैसे सभी देवता स्वर्ग छोड़ करके पलायन किए, अब तो महाराज माता की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि आदित्य कौन है? बोले अदिति के पुत्र आदित्य। तो आज जब बच्चे अपनी माँ से दूर हो गए, माँ बहुत रो रही है। सही सही बताइए, बच्चों को दुखी देख करके दुखी कौन होती है? माँ। पिता का क्या? पिता तो दिन भर ड्यूटी रहता, उसको क्या पता। जब माँ होती, माँ जो होती है ना, वो जब बाहर अपने बच्चे को कभी भी थोड़ा सा दुख में देख ले, तो महाराज दुनिया के डॉक्टर वैद्य किसी को छोड़ती नहीं है। आपने सुना होगा, गाऊंगा नहीं, माँ बच्चों की जा होती है और किस्मत वाले ओ होते हैं जिनकी माँ होती है। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये सारी दुनिया है बगिया कांटों की,
तू फुलवारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। ध्यान देना कितना सुंदर भाव है। बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ दुखन लागी माँ तेरी अखिया दुखन लागी माँ तेरी अखिया मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतिया मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतिया मेरे रोने पे तू रोई है हंसने पे मुस्काई है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ क्या होती है किस्मत वाले वो होते हैं जिनके माँ होती है किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है ये दुनिया जो है बन कांटों का तू फुलवारी है ओ बता दूं माँ अपने बच्चों के लिए रोती है इतने लोग बैठे हो एक जब माँ रोती है और उसके आंख से गिरा हुआ आंसू पृथ्वी के धूल में मिलता है तो ध्यान देना जितने धूल के कण उस आंसू पर लगते हैं ना उतने जन्मों तक तुम्हें कभी स्वर्ग नहीं मिलता तुम्हें नरक में रहना पड़ता है जब माँ के आंख से आंसू गिर करके धूल में मिलता है तो माँ के लिए क्या करना चाहिए लेके पूजा की थाली ज्योति मन की जगह।